गाइस, मेरे कॉक्सकॉम के प्लांट में आने लगी है फ्लारिंग, और फ्लारिंग भी एक जगह से नहीं बल्कि अलग अलग जगह से भी फ्लावर्स निकल रहे हैं। और उसका रीजन पता क्या होता है, जब आप नीचे की स्टेम्स को कट कर देते हैं तो बराबर से जो है इसकी नई नई ब्रांचेज आ जाती हैं, और उन ब्रांचेज में से भी फ्लारिंग होती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही ये थोड़ा बड़ा होने लगे ना, तो नीचे की ब्रांचेज को कट करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी जो फ्लारिंग है वो चारों तरफ से होगी। अब देखिए, मेरे इस वाले प्लांट पर जगह जगह से प्लांट फ्लावर्स निकल रहे हैं। ये देखिए, ये छोटा सा फ्लावर ये है, ये देखिए चारों तरफ से इसमें फ्लारिंग हो रही है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है ये, और बहुत सारे कलर्स में भी अवेलेबल होता है। तो आपके पास अगर कॉक्सकॉम का प्लांट नहीं है तो आप ज़रूर से लगा लीजिए। अगर आपको किसी के पास नज़र भी आए ना, तो उससे ले लीजिए। वैसे तो ये बीज से भी लग जाता है, इसके बीज जब इसके फ्लावर्स जाने वाले हो ना, तब इसके बीजों को कलेक्ट करके रख लेना चाहिए, और फिर उन्हीं को बिखेर देना चाहिए सर्दियाँ आने से पहले पहले।